आके खड़ा होगा तो उसके दिमाग में बात तो आएगी, बलवान के 5 साल में तो पुलिस बाईपास पर मैंने खड़ी नहीं होने दी, कभी खड़े हो जाते तो 5 मिनट में फोन आ जाता किसी का, तो मैं उनको कह देता जाओ भाई क्यों खड़े हो गए, बोले साहब नाकाबंदी है, कितने मिनट की बोलिए, इतने मिनट की, मिनट पूरी होते फिर फोन कर देता जाओ भाई क्यों खड़े हो। इनसे लड़ाइयां भी होती प्रशासन से, लेकिन लड़ाई जनता के पक्ष की थी। मैंने प्रशासन को बड़ी मजबूती के साथ पकड़ के साथ रखा। जो लोग मेरे पर आरोप लगाते थे, आरोप बड़े बड़े लगाते थे कि बलवान ने ये ले लिया और वो ले लिया, मैं आपके चौक में कहना चाहता हूँ, या तो इस चौक में आकर के वो माफी मांगे, नहीं तो मेरे को जेल भेजे। अब उनका शासन है पूरा, इनकम टैक्स उनका है, अब तो सारा सौदा ही उनका है। मेरे घर मरवाए रेड करवाए चेक, मैंने तो चुनाव में एफिडेविट भी दे दिया, मेरी ये संपत्ति है, उससे फालतू अगर मेरे पास संपत्ति है तो मैं जेल जाने का अधिकारी हूँ, भेजे फिर मुझे पता चल जाए। फिर साहब वो उनको सब पता है, जो आदमी प्रशासन से पैसे नहीं ले तो प्रशासन सड़क पर खड़ा नहीं हो। लकड़ियों की गाड़ी इसलिए नहीं पकड़ी गई कि मैंने वनिभा को नहीं टटोड़ा, ट्रांसफर किसी आदमी का हुआ मैंने नहीं लिया, ट्रांसफर के पेटे दुग्गी नहीं ली। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने विकास के काम में, आपके गांव का सरपंच है, मैंने आपके गांव के लिए पैसे दिए थे, नरेगा में टोटल करके करोड़ों रुपए हो गए थे, 1 रुपया पीड़ा पैसा अगर कोई रैली में गाड़ी लेकर के चला गया अलग बात, वो भी उसके पास आदमी नहीं होते थे, आदमी दो ही होते थे उसकी गाड़ी में, लेकिन 1 पीड़ा पैसा हमने नहीं लिया किसी सरपंच से। इसलिए पूरे चुनाव कैंपेन में मेरे पर वो झूठे आरोप लगाते रहे, लेकिन उनके आरोपों में कोई दम नहीं था, इसलिए मुझे जनता ने भारी साथ दिया। और मैं तो फिर कहना चाहता हूँ, राजस्थान की विधानसभा में जिस तरीके से मैंने भारत के संविधान की मजबूत व्याख्या करी और भारत के संविधान के प्रदत्त अधिकारों की बात करी, मैंने दलित की, पीड़ित की, किसान की, मजदूर की आवाज उठाई, युवाओं की आवाज उठाई, उसी के बल पर मुझे भारी वोट मिले। अब वो आवाज जो हम राजस्थान की विधानसभा में नहीं उठा पाए, ये आवाज हम मजबूती के साथ सड़कों पर उठाएंगे, चाहे वो जयपुर की हो, चाहे वो जिला हेडक्वार्टर की हो, चाहे तहसील हेडक्वार्टर की हो, जब ही रोड़ो है रोड़े में जरूर जाऊंगे। अभी भट्टू वाला किसान आया, बोले साहब ते रोड़ो का लड़का एक्सपर्ट हो, मैं शेम की समस्या लेके बैठा थे, आइयो बारे 10 तारीख दे दी, मैं 10 तारीख ना आवांगा, 10 जनवरी ने रोड़ो जोर को गाल देवांगा। और मैं तो भी कहूँ नून तो रखू को नहीं, वो कहना बात सीट हूँ बेली आगे मेरे नून तो गाल के गए, सूद समेत पुट्ठो लौटाऊंगा, जो गेड़ा तो प्रोग्राम करिए हो और 15-20 का मैं प्रोग्राम और करके आऊंगा, सूद समेत अपा नून तो कहूँ रखा हुआ पुट्ठो लौटाऊंगा, लौटाने को त्रिक को अपनो अजब है, जगह अपने नून तो गाले में लौटाऊंगा छोटा को नहीं। पर मैं तो बात तो खुश हूँ साहब, देखो लोग के लक्षण लगावा के बास्ते लगाता फिरा, कह साहब टपकारी दारू भी पियावा, सट्टा भी लगाता फिरा, लोगों ने खरीदन की बात भी करा, जिक्र भी चल रहा फलाने का मेहता वोट न्यू हो गया, अपने गंद भाईओ सरासो माइक है, अच्छा सीधा साधा लोग खूब आया वोट, बड़ोकड़ा बड़ोकड़ा हो गया, एक अनिर सीधा सीधा लोग हो गया अपने का नहीं। मैं तो आपू नीतर क्यों सोदो, और अब अपना कोई बोले शाना ने कोई ले गया वे बुला गए बन उड़े उड़े पुठा लिए, बाकी बने जे पुणे आ जाएगा अपने पुचकार लियो का आजिया आजिया, कोई बात नहीं बग्यो तो बग्यो, कोई नहीं आजिया ले आइयो और अपने वोट आगे ठीक कर लेगा। पंचायत के चुनाव में हाथ जोड़ के निवेदन है पूरी दोनों गांव की कार्यकर्ता की टीम बैठ के तय कर लियो, पंचायत चुनाव मैं आज के आज हार हुई रंग को नहीं घेर पाया, पंचायत चुनाव में तो हारूता लियो रंग घेर लियो, मैं 2-3 लड़ेगा।